नमस्कार दोस्तों, चौहान पोस्ट में आपका स्वागत है। हम हथकी पैड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद जा रहे हैं माँ मनसा देवी जी के मंदिर। उसके बाद हम जाएंगे माँ चंडी देवी जी के मंदिर। दोनों जगह माँ की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और आपके साथ उसको शेयर भी करेंगे। आपको एक चीज़ बता दें कि हमने माँ मनसा देवी जी और माँ चंडी देवी जी के लिए जो रोप वे है उसका टिकट ऑनलाइन बुक किया है। उसका क्या चार्जेस है, वो कहाँ से बुक कर सकते हैं, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से उसको बुक करा सकते हैं। तो आइए माँ के मंदिर चलें। दोस्तों, हम हरकी पैड़ी से होते हुए मार्केट के रास्ते से जा रहे हैं माँ मनसा देवी जी के मंदिर। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये मनसा देवी जी का प्रवेश द्वार दिखता है। यहाँ से आप अंदर जाते हैं। तो जब आप यहाँ से अंदर चलते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट साइड में काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, जिसमें काफ़ी सारे सामान जो कि मंदिर में चढ़ते हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। और ये यहाँ पे एंट्री के लिए टिकट है, क्योंकि हम उड़न खटोला से जा रहे हैं तो हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था। लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं बिना बुकिंग के, उनको यहाँ लाइन में लग के टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर उसी की लाइन है और हम अब अंदर एंटर कर चुके हैं। और जब आप अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर शॉप्स भी हैं जहाँ से आप कुछ प्रसाद ले सकते हैं। हमने भी प्रसाद यहाँ से लिया और हम अंदर लाइन में लगते हुए उड़न खटोले की ओर चल दिए। तो ये यहाँ पे आपको प्रसाद 50 रुपये 100 रुपये का भी मिलता है। और पेड़े का भी शॉप है जहाँ से आप पेड़े का प्रसाद भी ले सकते हैं। और हमने भी पेड़े का प्रसाद भी लिया और हम लाइन में आगे जाते हुए। और ये उड़न खटोला है, इसमें 4 बंदे एक साथ बैठ सकते हैं। हमने भी अपनी बारी की प्रतीक्षा की और आप देख सकते हैं कि ये सीधे आपको मनसा देवी जी लेके जाते हैं। ये बहुत ही सुगम रास्ता है और इससे आप बहुत आसानी से मनसा देवी जी के मंदिर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पैदल मार्ग भी है, जहाँ से भी कुछ लोग जा रहे थे वो भी रास्ते में आएगा। और आपको अगर पैदल मार्ग से जाना है तो ये रास्ता है, और अगर आपको उड़न खटोले से जाना है तो आपको सलाह है कि आप इसको ऑनलाइन पहले बुकिंग करा के आएँ ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। और अभी हम उड़न खटोले से माँ मनसा देवी जी के मंदिर जा रहे हैं। और यहाँ से जब आप काफ़ी ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ से आपको पूरे हरिद्वार का व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। आप देख सकते हैं गंगा जी और पूरे हरिद्वार का एक विहंगम दृश्य। और अब हम काफ़ी ऊपर हाइट पे आ चुके हैं तो यहाँ से पूरे हरिद्वार का व्यू आपको देखने को मिलता है। और अभी आप देख सकते हैं कि हम माँ मनसा देवी जी के मंदिर पहुँच रहे हैं। सामने मनसा देवी जी का मंदिर हमें दिख रहा है और ये पैदल मार्ग से भी लोग आ रहे हैं। और ये सामने माँ मनसा देवी जी का मंदिर है और हम माँ मनसा देवी जी के मंदिर पहुँचते हुए और हम मंदिर पहुँच चुके हैं। अभी हम उड़न खटोले से उतरते हुए माँ मनसा देवी जी के मंदिर जाएंगे। ये माँ मनसा देवी जी की मूर्ति है, हमने यहाँ पर उनके दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। माँ मनसा देवी जी की जय हो। अभी हम माँ मनसा देवी जी के दर्शन करके उड़न खटोले से नीचे आते हुए, और जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही होती है तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं जो कि हम भी महसूस कर रहे हैं दर्शन करने के बाद। तो सामने आप देख सकते हैं हरिद्वार के पूरे दर्शन, और साइड में लेफ्ट और राइट साइड में काफ़ी ग्रीनरी है, हरियाली है, तो आप उसका भी आनंद उठाते हैं। और जो आपको वहाँ के दृश्य देखने को मिलते हैं आप उसको कैमरे में कैप्चर करते हैं ताकि वो एक मेमोरी बन जाए, एक यादगार बन जाए और उसको आप बाद में कभी भी
में देख सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वही काम भी कर रहे थे। और यहाँ से हम जब नीचे आएंगे तो फिर नीचे जब उतरते हैं तो ये गेट है, यहाँ से आप तो बाहर निकलते हैं, माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। और अभी हम माँ चंडी देवी जी के लिए जाते हुए, और ये गंगा जी का जो ब्रिज है बड़ा सा, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और इसको क्रॉस करके हम पहुँच चुके हैं माँ चंडी देवी जी के एंट्रेंस पे। काफ़ी अच्छे तरीके से एंट्रेंस बनाया गया है, और अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको प्रसाद की शॉप्स मिलती हैं, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। 50 रुपये और 101 रुपये का प्रसाद है। और यहाँ पे आपको अपना टोकन लेके वेट करना होता है, जब आपका टोकन का नंबर आता है देन आपको लाइन में आके लगना है। तो हम भी अपना वेट करने के बाद जब हमारा नंबर आया तो हम लाइन में आके लग चुके हैं। और ये लाइन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाई हुई है, व्यवस्थित की हुई है। और इस लाइन के थ्रू से आप जब आगे जाते हैं तो आपकी चेकिंग होती है, और रास्ते में आपको फिर प्रसाद और लड्डू का प्रसाद, पेड़े का प्रसाद भी मिलता है। और हम पहुंच चुके हैं उड़न खटोले पे, और ये उड़न खटोला है जो कि हमें लेके जाएगा माँ चंडी देवी जी के मंदिर पर। ये काफ़ी लंबा रूट है, और आप देख सकते हैं हम भी अपनी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए। और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने स्पेस देख के बनाया है, और काफ़ी सेफ्टी का भी इन्होंने ध्यान रखा है। और आप देख सकते हैं कि ये एक में 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, और स्पेस भी 4 का ही है। अभी हम भी बैठ के निकलते हुए और हम जा रहे हैं माँ चंडी देवी जी के मंदिर, वहाँ उनके दर्शन करेंगे। और अभी हम चंडी देवी जी के लिए जाते हुए, और रास्ते में आप जो ये उड़न खटोला यानी रोपवे है, इसके जो व्यूज देखते हैं वो काफ़ी मनमोहक दृश्य आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ये लेफ्ट साइड का व्यू है, और पूरा ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी हाइट पे मंदिर है, तो उड़न खटोले से जाना एक अच्छा डिसीजन है। और ये राइट साइड का व्यू, यहाँ पर भी काफ़ी ग्रीनरी है। और अभी हम मार्ग में जाते हुए और हमारे लेफ्ट साइड से ट्रॉलीज आती हुई, और आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है। और इस जंगल के अंदर से होती हुई ये रोपवे चंडी देवी माता के मंदिर तक जाती है। और ये काफ़ी जंगल से होते हुए बीच में से निकलते हुए दोनों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा दृश्य है जो आपको आपके दिल को मोह लेता है, मोहित करता है। और काफ़ी लंबा रूट है, और जब आप वहाँ ऊपर पहुँच जाते हैं तो आपको सीढ़ी चढ़ के माता के मंदिर की ओर जाना होता है। तो अभी हम वही सीढ़ी चढ़ते हुए, और हमने प्रसाद रास्ते में से ले लिया था, तो अभी हम उसको लेके माता के मंदिर की ओर जाते हुए, और सामने गंगा जी। और ये बीच में रास्ता है, इसमें भी आपको दोनों साइड प्रसाद की दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ पर आप अपनी चप्पल जूते रख सकते हैं, वहीं यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। और अभी हम मंदिर के अंदर जाते हुए, काफ़ी लंबा रास्ता है, काफ़ी दूर चलना पड़ता है, और उसके बाद आप काफ़ी नीचे ऊपर स्टेयर्स हैं वहाँ चढ़ते हैं, उसके बाद आप काफ़ी लंबा रास्ता अंदर कवर करते हैं, और ये रास्ता कवर करके आप माँ के मंदिर सामने पहुँचते हैं। और ये माता जी की मूर्ति है, यहाँ पर हमने माँ के दर्शन किए, माँ का आशीर्वाद लिया, उनको भोग चढ़ाया, और काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके, और हमने इस दृश्य को, माँ के दर्शन को अपने आँखों में कैप्चर किया। और उसके बाद हम स्टेयर से नीचे उतरते हुए, क्योंकि मंदिर ऊंचाई पर है तो आपको आपको जो एग्जिट मिलता है वो स्टेयर के थ्रू से आपको नीचे आना होता है। तो अभी हम भी
स्टेयर के थ्रू नीचे आते हुए, वो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इसको व्यवस्थित किया हुआ है ताकि आपको आते हुए और जाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। आने का एक अलग रास्ता है और जाने का सेपरेट रूट है, और इसमें साइड में लोगों ने धागे बांधे हुए हैं। और जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको फिर यहाँ पे प्रसाद की शॉप्स मिलती हैं और कुछ और सामान खरीदने की शॉप्स मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ से माला, ककड़े, अंगूठियाँ और कुछ स्टैचू, कुछ फोटोज़, ये सब चीज़ें यहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो भी हम भी वही अवलोकन करते हुए, क्योंकि हमारे दर्शन हो चुके हैं तो हमने सोचा कि चलो कुछ यहाँ से खरीद लेते हैं एक यादगार के रूप में। तो अभी हम वही मार्केट से गुजरते हुए और कुछ सामान हमने यहाँ से परचेज किया, और वो सामान हम परचेज करके जब आप आगे निकलते हैं तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है एल शेप में और काफ़ी सारी दुकान से। और जब आप यहाँ से आगे बाहर निकलते हैं तो आपको एक रास्ता और मिलता है जो कि आपका जाता है माँ अंजना देवी, जो हनुमान जी की माता जी हैं, उनका भी एक मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है वहाँ पर। तो हनुमान जी भगवान और माँ अंजना देवी जी के मंदिर के लिए रास्ता जाता है, तो हम वो मंदिर की ओर जाते हुए। तो यहाँ पे आप बाहर से प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ पे लड्डू का प्रसाद मिलता है। तो हम वो प्रसाद लेके मंदिर में गए और भगवान हनुमान जी को भोग चढ़ाया, माँ अंजना देवी जी को भी भोग चढ़ाया, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी ब्लेसिंग्स ली। और उसके बाद हम फिर नीचे उतर के आए मंदिर से, तो ये कुछ एक शॉप में देखने को मिली जहाँ पर जड़ी बूटियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हम उसी मार्ग से नीचे उतरते हुए, हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है और अभी हम फिर से उड़न खटोला का जो ऑफिस है वहाँ जा रहे हैं, और यहाँ से हम होते हुए नीचे चंडी देवी जी के मंदिर से नीचे जाएंगे। और रास्ते में आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, कुछ खाने की शॉप्स भी हैं। तो अभी हम यहाँ से कुछ कुल्फी वगैरह लेते हुए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, और उसके बाद हम उड़न खटोले में बैठ के नीचे की ओर जाते हुए। और यहाँ से भी जब आप ये व्यू देखते हैं तो आपको गंगा जी का पूरा एक बिग व्यू देखने को मिलता है, और साथ में जो हरियाली है लेफ्ट और राइट साइड में वो भी आपके मन को आपको बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही मनमोहक दृश्य होते हैं। और अभी हम नीचे उतरते हुए आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, कितना हरियाला हरियाली भरा हरा भरा ये जंगल है, बहुत ही घना संकरा जंगल है। और हमारे लेफ्ट साइड में ये ट्रॉलीज आती हुई और ये कंटिन्यूस चलती रहती हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री बंद है ऐसा हमें लोगों ने बताया है। और अभी हम नीचे की ओर आते हुए तो सामने आप देख रहे हैं कि हमें जहाँ से हम ऊपर आए थे वही ऑफिस दिख रहा है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। अब आपसे एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग चौहान पोस्ट।